नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में। तो दोस्तों, जब हम किसी कंपनी की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं, तो अगर हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट कीज पता है तो काफ़ी हद तक हम हमारा टाइम है जो बचा सकते हैं। यानी कि जिस काम में हमारा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अकाउंट मेंटेन करते वक्त 2 घंटे लग सकते हैं, उसको हम शॉर्टकट कीज की वजह से 1 घंटे में भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन हमें प्रैक्टिकल तरीके से शॉर्टकट कीज का यूज है जो आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट कीज के बारे में जानना चाहते हो, तो आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है जो telesolution.com, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो और वहाँ से आपको सर्च करना है कीबोर्ड शॉर्टकट। तो सारी शॉर्टकट कीज है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, चाहे वो रिपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो वाउचर से रिलेटेड हो, तो सारी शॉर्टकट कीज आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो रूटीन में डेली हमेशा यूज होती रहती है, उस शॉर्टकट कीज के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि हम पार्ट वाइज सभी शॉर्टकट के बारे में हम इसका वीडियो कंप्लीट बनाएंगे, लेकिन उसका हम आगे पार्ट वाइज आपको इसके वीडियो जो मिलते रहेंगे। और आज की इस वीडियो में हम जिस शॉर्टकट कीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है जो प्रोफेशनल लोग, जो अकाउंटेंट लोग उसको रूटीन में यूज करते हैं। क्योंकि जो सभी जो शॉर्टकट कीज है वो हमेशा यूज नहीं होती, क्योंकि कुछ कीज ऐसी होती है जो मंथ में 1 या 2 बार ही यूज होती है, लेकिन कुछ एक चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जो पूरा दिन ही उसको यूज करना पड़ता है प्रैक्टिकली अकाउंटिंग मेंटेन करते वक्त। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी बातें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के साथ प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं, क्योंकि हर शॉर्टकट कीज का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर एक जगह होती है। हर शॉर्टकट कीज हर जगह यूज नहीं हो सकती, बल्कि उसकी हर एक जगह पर्टिकुलर, उसकी भी एक लोकेशन होती है। वो शॉर्टकट कीज वहां पर जाने के बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसीलिए हम इसको वीडियो को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूजर हो या आप किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भी हम शॉर्टकट कीज बनाते कैसे हैं, क्योंकि कुछ एक शॉर्टकट कीज है जो टेली सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन कुछ एक शॉर्टकट है वो हमें खुद ही बना लेते हैं। अब खुद कैसे बनाएंगे वो हम इस वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो आपने देखा होगा गेटवे टेली हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है, और हर ऑप्शन के पीछे आपने देखा होगा कोई ना कोई एक आधा वर्ड आपको अलग कलर में जरूर दिखाई देगा। और जैसा कि वाउचर में वी हाईलाइट है, डे बुक के अंदर के आपको अलग कलर के साथ दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से यूटिलिटीज के ऑप्शन में बैंकिंग ऑप्शन है, वहां पर आपको अनेक अलग कलर का दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से जो भी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, उसमें हर एक जो शब्द है, चाहे वो स्टार्टिंग का अक्षर हो सकता है, वो बीच का हो सकता है, बिल्कुल लास्ट का हो सकता है, एक वर्ड आपको डिफरेंट कलर में दिखाई देगा, वो शब्द उसका शॉर्टकट होता है। अब मान लीजिए आप गेटवे टेली पे हो और प्रेजेंट टाइम में आपका जो कर्सर है वो क्रिएट के ऊपर है। अब आपको कोई ये बात बोला जाए भी आपको केवल 2 ही कीबोर्ड से आपको वर्ड प्रेस करने हैं और आपको पेमेंट वाउचर की एंट्री पास करनी है, तो अब 2 यानी कीबोर्ड से सिर्फ आपको 2 वर्ड ही प्रेस करने के लिए बोले गए हैं। तो अगर आप 2 वर्ड आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए भी हमें पेमेंट वाउचर की एंट्री करने के लिए कहां पर जाना होता है। तो जाहिर सी बात है भी हम बेसिक अगर हम बात करें तो हम वाउचर पे जाके और पेमेंट वाउचर पे जाते हैं, उसके बाद में हम कोई भी हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग वाउचर को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब हम गेटवे टेली पे हैं और कर्सर हमारा कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन हमें करना है 2 कीवर्ड के साथ। तो आपको पता होना चाहिए भी वाउचर की जो शॉर्टकट की है वो क्या बनेगी, वी, यानी कि हमें कीबोर्ड से सिंपल वी बटन को प्रेस करना है। तो जैसे हम वी बटन को प्रेस करेंगे वाउचर पे आ जाएंगे, उसके बाद आपको बोला पेमेंट वाउचर आपको पास करना है, तो F5 आपको पता होना चाहिए, F5 के साथ हम पेमेंट वाउचर में जा सकते हैं। यानी कि केवल हमने 2 बटन प्रेस की, एक तो V और एक F5, तो दोनों की कंडीशन में हम
पेमेंट वाउचर पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट एक तो हमें यहाँ से पता चल जाता है। अब मान लीजिए आपको किसी भी पार्टी की स्टेटमेंट आपको चेक करनी है, यानी कि उसका लेजर स्टेटमेंट आपको चेक करना है। तो किसी भी कस्टमर का पार्टी का लेजर स्टेटमेंट चेक करने के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर हम जाते हैं, देन हम अकाउंट्स बुक को यूज करते हैं, देन हम लेजर को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद टोटल हमारी लिस्ट ऑफ लेजर यहाँ पर सामने आ जाती है। अब उसके बाद चाहे आपको कोई कैश का लेजर देखना हो या किसी पार्टी का लेजर देखना हो तो उस पर हम इंटरप्रेस कर देते हैं। तो अगर आपको ये बात शॉर्टकट अगर आपको पता है तो हम इसको क्या करेंगे भी, अब सबको आपको पता होना चाहिए भी डिस्प्ले के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डी। तो हमने डी प्रेस किया, डी के बाद हम जाते हैं अकाउंट्स बुक पर, तो अकाउंट का जो शॉर्टकट है वो ए है, तो हम ए प्रेस करेंगे और लेजर के बाद हम शॉर्टकट उसका है एल, तो एल प्रेस करते हैं। तो यानी कि अगर हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं और हमें किसी लेजर का स्टेटमेंट, पार्टी का स्टेटमेंट हमें देखना है, तो हमें इतने ऑप्शन यहाँ तक आने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारा टाइम है जो वेस्ट हो रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, डी ए और एल तीन अक्षर हम दबाएंगे और लिस्ट ऑफ लेजर की इस विंडो पर हम आ जाएंगे और देन उसके बाद आप अपना सर्च करके लेजर जो सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ से हमें पता चल जाती है भी हमें शॉर्टकट किस तरीके से यूज करना है। अब मान लीजिए आपको कोई कह दे कर्सर आपका यहाँ पर है और लेजर आपको क्रिएट करना है, तो अब लेजर को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से स्टेप करते हो दिया है तो ऑप्शन यहाँ पर जाओ। अब मान लीजिए यहाँ पर हो और आपको पता है सी है, तो आप सी प्रेस करो। अब उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर कोई भी हाईलाइट आपका नजर नहीं आ रहा है, देन आपको यहाँ पर एल प्रेस कर देना है सिंपल, तो एल पे आपको लेजर आ जाएगा और लेजर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ कीज होगी इस तरीके से और उसके बाद में कुछ की हो जाती है कॉम्बिनेशन की के साथ, यानी कि वो हमारा एल्ट के साथ हो सकता है, कंट्रोल के साथ हो सकता है, शिफ्ट के साथ हो सकता है, तो कुछ कॉम्बिनेशन की के साथ शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं। तो हालांकि अभी जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर 2.0.1 का जो रिलीज है उसके अंदर सभी को शॉर्टकट के जो बटन थे जो अभी तक हिडन थे सभी को यहाँ पर हाईलाइट यानी कि विजुअल कर दिया गया है। तो अभी आपको यहाँ पर ज़्यादा कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कीज के साथ डिस्कस करेंगे जो अकाउंटेंट लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट कीज की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, हिडन कीज रिपोर्ट्स के बारे में, हिडन कीज वाउचर के बारे में। तो रिपोर्ट्स देखने के लिए जैसे हम रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सारी आपकी हिडन कीज रिपोर्ट से रिलेटेड आ जाएगी। अगर हम वाउचर पर क्लिक करेंगे तो ये वाउचर से रिलेटेड आ जाएगी। अब वाउचर से रिलेटेड मतलब जैसा कि पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है, अब इसके अंदर दो कंपैरिजन के साथ आपको दिखाया गया है, ये जो कीज आ रहा है ये जो बॉक्स आपका ये है टेली प्राइम का और ये जो आ रहा है ये टेली ERP9 का, क्योंकि कुछ एक शॉर्टकट की है जो टेली ERP9 से जब टेली प्राइम में कन्वर्ट हुआ था सॉफ्टवेयर तो कुछ शॉर्टकट की जो चेंज हो गई थी, अप्रोक्सीमेट सेम है लेकिन कुछ एक चेंज हो गई। तो अब हमें इसका यूज किस तरीके से करना है एल्ट आर का, तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है टू रिट्राइव नरेशन फ्रॉम द प्रीवियस लेजर। इसका मतलब क्या हो गया, अब हम टेली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। अब मान लीजिए जैसा कि हमने एक पेमेंट वाउचर की एंट्री हम पास करते हैं, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल हो सकता है, हमने ड्राइंग्स की 100 रुपीज और कैश पेमेंट करी। अब उसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नरेशन लिख दिया वी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये हमने एक नरेशन टाइप कर दिया और इस वाउचर को हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद में मान लीजिए आपने दोबारा ड्राइंग्स की एंट्री करी, एक एंट्री दोबारा हम पास करते हैं, एंट्री हम 10 रुपीज ले लेते हैं, कैश करते हैं, तो एल्ट आर का अभी हमने जो शॉर्टकट यहाँ पर देखा था, एल्ट आर का मतलब यहाँ पर आने के बाद हम एल्ट आर अगर हम बटन प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस एंट्री के अंदर जो हमने नरेशन लिखा था वो नरेशन अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा एल्ट आर से, यानी कि रिपीट हो जाएगा पीछे वाला। और इसके बाद एल्ट आर में मतलब इसे एक बार मैंने यहाँ से हटा दिया, एल्ट आर हम प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है जो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका एच का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भी एल्ट आर का यूज कहाँ करना होता है। अब यहाँ भी एल्ट आर का यूज हम जहाँ मर्जी करेंगे हर जगह ये कमांड काम नहीं करती। तो उसके बाद में आप देख सकते हो भी एल्ट सी का मतलब दी ओपन दी कैलकुलेटर पैनल फ्रॉम दी अमाउंट फील्ड। अब एल्ट सी आपकी दो जगह काम करती है और दोनों का यूज अलग अलग तरीके से होता है। अब
इसका कहने का मतलब आ गया, हम चलते हैं, जो सेल वाउचर है, जो हमारा परचेज वाउचर है, उसको हम ओपन करते हैं। वाउचर पे हम जाएंगे, F9 करेंगे। अब उसके बाद, अब मान लीजिए यहाँ पर आप हो एल पार्टी अकाउंट नेम में, अगर यहाँ पर अगर आप एल्ट सी यूज करते हो तो आपका लेजर क्रिएशन की विंडो है जो ओपन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन हमें बता रहा है बी टू ओपन द कैलकुलेटर पैनल फ्रॉम द अमाउंट फील्ड। अब इसका मतलब भी जैसे हम इस सॉफ्टवेयर पे गए और यहाँ पर हमने एक एंट्री करी, और यहाँ पर भी अगर हम एल्ट सी प्रेस करेंगे तो स्टॉक आइटम हमारी क्रिएट हो जाएगी। और इसको हम मोड चेंज कर लेते हैं, इसका इसको हम करते हैं आइटम इनवॉइस में, और यहाँ पर हम कर दिया स्टॉक आइटम को सिलेक्ट, और क्वांटिटी हमने कर दी। अब अमाउंट फील्ड का मतलब आ गया, अगर यहाँ पर ये है हमारा अमाउंट फील्ड, चाहे आप रेट के ऑप्शन पर हो चाहे अमाउंट के ऑप्शन पर हो, ये हमारा फील्ड आ गया अमाउंट का। अब यहाँ पर अगर हम एल्ट सी प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ से नीचे कैलकुलेटर आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेटर में जो भी वर्ड लिखे, जैसे मान लिया 5 + 2 अगर करेंगे तो 7 जो रिजल्ट आएगा वो 7 का 7 रिजल्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि एल्ट सी का आपको अमाउंट के पैनल पर रहते हुए कैलकुलेटर आप इसको ऑन कर सकते हो। इसी तरीके से भी एल्ट प्लस डी भी टू डिलीट ए वाउचर या फिर एक ट्रांजेक्शन, किसी भी वाउचर या ट्रांजेक्शन को डिलीट करने के लिए हम एल्ट डी का ऑप्शन का यूज करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, कोई भी हम एक ट्रांजेक्शन ओपन कर लेते हैं डे बुक पे जाके, अब मान लीजिए इस वाउचर को हमें डिलीट करना है, तो इस वाउचर पर रहते हुए आपको एल्ट डी प्रेस करना है, देन आपके सामने ये विंडो आ जाएगी डिलीट यस या नो, तो आपको वाई प्रेस कर देना है, तो वो आपका वाउचर या जो आपके ट्रांजेक्शन है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आपने वाउचर को ओपन कर लिया यहाँ पर आके एल्ट डी करोगे तो भी ये आप वाउचर आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके की ये जो इम्पोर्टेंट है जो हमेशा रूटीन में अकाउंटेंट लोग इसको यूज करते हैं, और इस तरीके से एल्ट एक्स के साथ यानी कि किसी भी वाउचर को कैंसिल करने के लिए। और उसके बाद में टू ओपन दी मैन्युफैक्चरिंग जर्नल फ्रॉम दी क्वांटिटी फील्ड एट दी जर्नल वाउचर यानी कि एल्ट वी। अब इसका मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग की विंडो अगर हमें ओपन करनी हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने वीक प्रेस किया तो इस तरीके से स्टॉक जर्नल वाली जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ओपन हो जाएगी। और उसके बाद में जैसा ये आ गया ये कंट्रोल डी यानी कि टू रिमूव आइटम लेजर लाइन इन ए वाउचर, यानी कि रिमूव आइटम लेजर लाइन इन ए वाउचर, यानी कि वाउचर में से अगर किसी लाइन या किसी स्टॉक आइटम को अगर रिमूव करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसा कि हम डे बुक पे चलते हैं, कोई एक वाउचर हम ओपन कर लेते हैं, जैसा मान लीजिए सेल वाउचर है, पढ़ा लेते हैं, जिसमें स्टॉक आइटम, जैसे इसके अंदर स्टॉक आइटम जाता है। तो अब इसका मतलब आ गया भी अगर हमें किसी स्टॉक आइटम को यहाँ से रिमूव करना हो तो कंट्रोल डी का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल डी हम यूज़ करेंगे तो आपने देखा वो स्टॉक आइटम हमारी वहाँ से हट चुकी है, कंट्रोल डी करते जाएंगे तो हमारी स्टॉक आइटम है वहाँ से रिमूव होती जाएगी। यानी कि जितनी भी आप मान लीजिए गलती से आपने आइटम लिख दिए लेकिन आपको उसको हटाना है तो आप कंट्रोल डी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, उस स्टॉक आइटम के ऊपर जाएंगे। उसके बाद हम यूज़ करते हैं कंट्रोल आर, ये आ गया टू रिट्राइव जनरेशन फ्रॉम द प्रीवियस वाउचर सेम एज वाउचर टाइप, जो अभी हमने यूज किया था एल्ट आर वाला, सेम वही विंडो हमारे पास वापस आ जाएगी। और उसके बाद में कुछ ये आ गया मास्टर एंड वाउचर से रिलेटेड भी, टैब का बटन हम यूज कब कर सकते हैं, टू गो टू द नेक्स्ट इनपुट फील्ड में, यानी कि जब हम वाउचर की एंट्री करते हैं, वाउचर पर हम चलते हैं, अब मान लीजिए कई बार कीबोर्ड का आपका एंटर का बटन कम काम कर रहा हो या ख़राब हो सकता है, तो हम मान लीजिए आपने यहाँ पर वाउचर का नंबर लिखा, वैसे तो हम एंटर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो विंडो है वो ऑटोमेटिक आगे से आगे चलती रहती है, लेकिन हम टैब के बटन के साथ भी इसमें आगे जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से जैसे हमने कुछ स्टॉक आइटम सेलेक्ट करी, इसको सेलेक्ट किया, देन हम इसको बाद में इसके टैब टैब बटन दबाते जाएंगे तो हम यहाँ से हम टैब के बटन के साथ यहाँ पर आगे जा सकते हैं। तो यानी कि सेम जो इंटर बटन वाला जो वर्क हो रहा है वो सेम टैब बटन के साथ में भी हो रहा है। और उसके बाद में ऑप्शन आ जाता है शिफ्ट प्लस टैब, तो यानी कि अगर हम शिफ्ट टैब के साथ अगर प्रेस करेंगे टैब के बटन को तो हमारी प्रीवियस इनपुट फील्ड हमने जो करी है उससे हम बैक स्टेप टू स्टेप बैक आते रहेंगे। जैसा कि अब हमने टैब बटन हम दबा रहे हैं तो स्टेप टू स्टेप हम आगे जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए अगर टैब बटन यूज करेंगे तो हम वापस उसी स्टेप पर बैक आते रहेंगे।
यानी कि जिस स्टेप से हम आगे गए थे उसी स्टेप टू स्टेप हम बैक भी आ जाएंगे शिफ्ट प्लस टैब के बटन के साथ में। हालांकि इसका यूज टेली सॉफ्टवेयर में बहुत ही कम होता है, और इस तरीके से ये जो बैक स्पेस का बटन हम कब यूज करते हैं, टू रिमूव दी वैल्यू टाइप, यानी कि अगर आपने कोई वैल्यू यहाँ पर टाइप कर दी हो, जैसा कि मान लीजिए हमने वाउचर नंबर टाइप कर दिया, गलत टाइप कर दिया, तो हम इसको बैक स्पेस से हटा सकते हैं, या आपने कोई भी स्टॉक आइटम यहाँ पर लिख दियो, कोई आइटम हम लेते हैं, अब इसके बाद जैसा कि हमने इसको मेन लोकेशन पर रख लेते हैं, अब एक्चुअल में जिस जो भी हमारे पास पीसेस रहेंगे, अब फील्डिंग रख दी, तो इसके बाद जैसे हम बैक स्पेस करेंगे तो हम इसको बैक स्पेस से एक बार वापस कोई भी चीज को चेंजिंग करनी हो तो हम यहाँ से बैक स्पेस से इसको हटा सकते हैं। तो हालांकि ये तो बेसिक बात है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, और उस तरीके से उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा एल्ट सी ओपन टू कैलकुलेटर पैनल। एल्ट सी का यूज़ वैसे तो अगर आप गेटवे टेली पे हो, कहीं पे भी हो, तो अगर हम एल्ट सी का अगर यूज़ करोगे आप, तो वैसे आपका कीबोर्ड है जो ओपन नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एन अगर हम बटन यूज़ करेंगे तब जाके हमारा कैलकुलेटर ओपन होता है, अगर हम गेटवे टेली पे हैं। अगर हम किसी अमाउंट के फील्ड पे हैं तो एल्ट सी के साथ हो जाएगा, तो दोनों की ये डिफरेंस कमांड है। तो इसी तरीके से ये बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन का कोई ज़्यादा यूज नहीं होता, तो इस तरीके से ये पेज अप और डाउन के लिए आपका मतलब भी, आप मान लीजिए जैसा कि टेली सॉफ्टवेयर में हम गेटवे टेली पे हैं, क्विट पे विंडो पे हैं, या हम डिस्प्ले पर हैं, तो जैसे ही हम इस पे ऊपर नीचे करेंगे पेज अप या डाउन के बटन को, तो हम फर्स्ट पॉइंट पे या बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं पेज अप और डाउन के ऑप्शन से। अगर स्टेप टू स्टेप ऊपर नीचे आना हो तो हम कीबोर्ड की नेविगेशन की से हम इसको ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ शॉर्टकट कीज है जो हमारी रूटीन में यूज होती है, और सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज होता है वो है किसी भी टेक्स्ट को सॉफ्टवेयर में पेस्ट करने के लिए, जैसे हम कंट्रोल से कंट्रोल भी कॉपी पेस्ट करते हैं, वो कमांड हमारी ज़्यादा यूज होती है। और इस तरीके से ये हमारी अदर जो कमांड है अक्रॉस टेली प्राइम, जैसा कि एल्ट जी, अब एल्ट जी के लिए हमें ग्रुप में जाने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर दिखा रहे हो नन, यानी कि ये ऑप्शन टेली ईआरपी 9 में नहीं था, एल्ट जी का यानी कि ग्रुप का जो ऑप्शन है हमारे पास में वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में है गो टू के लिए। जैसा कि अब यहाँ पर है और हमें गो टू पे जाना है, तो हम एल्ट जी का बटन प्रेस करेंगे तो इस गो टू के ग्रुप के ऊपर आ जाएंगे लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग के अंदर, क्योंकि ये गो टू का ऑप्शन हमारा टेली प्राइम टेली ईआरपी सॉफ्टवेयर में नहीं था, तो इसलिए इसकी जगह नन कर दिया। तो इसी तरीके से एल्ट के यानी कि एल्ट के का यूज़ हम ओपन कंपनी टॉप मेन्यू, टॉप मेन्यू का मतलब ये हमारे जो टेली सॉफ्टवेयर में ऊपर की दिशा में जो भी दिए हुए हैं ये सारे टॉप मेन्यू के कैटेगरी में, यानी कि हम एल्ट के बटन प्रेस करेंगे तो ये कंपनी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें हम चाहें तो कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, कंपनी को हम सेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से सिक्योरिटी वगैरह, टेली वैलिड पासवर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ से इस ऑप्शन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो हमारे को पता लग ही जाता है, क्योंकि जिस ऑप्शन यानी कि जिस शब्द के नीचे सिंगल लाइन है वो एल्ट के साथ काम करेगी, और अगर यहाँ पर डबल लाइन होती तो वो कंट्रोल बटन के साथ में काम करेगी। इसी तरीके से इन शॉर्टकट हमें पता चली गया, डाटा के लिए हम एल्ट वाई यूज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज के लिए हम एल्ट जेड का यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से इम्पोर्ट के लिए एल्ट ओ, एक्सपोर्ट के लिए एल्ट ई, मेल के लिए एल्ट एम, प्रिंट के लिए एल्ट पी। तो इस तरीके से हमें सब कुछ वैसे तो पता चल ही जाता है एल्ट के साथ यूज होता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कीज है वो ज़्यादातर आपको जो शब्द, हर शब्द के पीछे जो हाईलाइट जो एक शब्द दिखा हुआ है उसी से हमको शॉर्टकट कीज है जो बनानी पड़ती है, वो हमें दिमाग में रखनी पड़ती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें जो हमारे पास रिपोर्ट से रिलेटेड जो शॉर्टकट कीज बच गई है उन सब का हम सेकंड पार्ट में वीडियो तैयार करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।